बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3 दैट इज डेटा कम्युनिकेशन, और इसको हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑनवर्ड्स कंप्लीट। इसमें जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनमें हमारे पास है बैंडविड्थ, बेस बैंड, ब्रॉडबैंड, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। और गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर हम ट्विस्टेड पेयर केबल को डिस्कस करेंगे, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है। उसके बाद बारी आएगी अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया की, उसके अंदर माइक्रोवेव को स्टडी करेंगे, सैटेलाइट्स, मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड एट द एंड वी विल स्टडी मॉडर्न एंड टाइप्स। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ एक्चुअली किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम की वो कैपेसिटी होती है जो कि हमें ये बताती है कि वो एट द सेम टाइम कितनी अमाउंट ऑफ डाटा जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। आपके पास कोई भी डिजिटल सिग्नल हो तो डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ जो है उसको हम बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास एनालॉग सिग्नल्स होंगे तो एनालॉग सिग्नल्स को मैं हर्ट्ज के अंदर मेजर करता हूँ। बेस बैंड, बेस बैंड आपकी वो टेक्निक है जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल्स को हम विदाउट मॉड्यूलेशन जो है ट्रांसमिट कर देते हैं। बेस बैंड जो है इसको सिर्फ कपल ऑफ माइल्स तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको ट्रांसमिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वॉइस और वीडियो है और मैं उसको ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एट द सेम टाइम शेयर करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं ब्रॉडबैंड की टेक्निक को यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर हर सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले उस सिग्नल की मॉड्यूलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है, उसके बाद वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। एमसीक्यू है उसके बाद हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूजेस मॉड्यूलेशन। अल्फा में हमारे पास बैंडविड्थ है, बीटा के अंदर ब्रॉडबैंड है, चार्ली के अंदर बेसबैंड है, और डेल्टा के अंदर ननफ दीदा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि मॉड्यूलेशन को यूज़ करती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बीटा है, दैट इज़ ब्रॉडबैंड। क्योंकि ब्रॉडबैंड के अंदर हम डाटा को सेंड करने से पहले उसकी मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करते हैं, जबकि बेसबैंड जो है बेसबैंड के अंदर सिग्नल को विदाउट मॉड्यूलेशन जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ एक्चुअली आपके किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि वो एट द सेम टाइम कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन। ऑप्शन अल्फा है हमारे पास बिट्स पर सेकंड, बीटा ऑप्शन में हमारे पास बॉड पर सेकंड, चार्ली ऑप्शन में हमारे पास बेस पर सेकंड, और डेल्टा ऑप्शन में नन ऑफ दीज़ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि आपके पास डिजिटल सिग्नल जो हैं उनकी बैंडविड्थ को मेयर किया जाता है किसके अंदर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास अल्फा है, दैट इज बिट्स पर सेकंड। कम्युनिकेशन मीडिया आपके वो मींस जिनके थ्रू आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो वो आपके कम्युनिकेशन मीडिया कहलाते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास गाइडेड मीडिया आता है। गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। गाइडेड मीडिया के अंदर डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू फिजिकल मीडिया होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वायर्ड मीडिया होगा तो वो आपका फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल आ सकती हैं, कोएक्सियल केबल आती हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स आते हैं। गाइडेड मीडिया के अंदर जो डाटा है उसको हम डेस्टिनेशन के बारे में एक पाथ के थ्रू जो है वो गाइड करते हैं कि उसकी डेस्टिनेशन जो है वो कौन सी है। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया को अनबाउंडेड मीडिया भी बोला जाता है, और इसके अंदर आपकी जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो विदाउट फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होती है। इसके एग्जांपल में हमारे पास एटमॉस्फेयर और स्पेस के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो आपके पास अनगाइडेड मीडिया की एग्जांपल्स में आती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, उसमें सबसे पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर डिफरेंट पेयर्स ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं और उनको हमने एक प्लास्टिक इंसुलेशन के अंदर कवर किया होता है। अब इसमें ईच पेयर जो है, ईच पेयर के अंदर फर्दर टू इंसुलेटेड वायर्स होती हैं और उन वायर्स को एक आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया जाता है। और ट्विस्ट करने का जो मेन मकसद है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है उस इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना होता है। ये कोएक्सियल केबल से 80 टाइम्स लोअर है और फाइबर ऑप्टिक से 26,000 टाइम्स लोअर है। ये इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम है, ये ईजियर टू इंस्टॉल है, और इसमें जो डाटा की ट्रांसमिशन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के अंदर एक सेंट्रल कॉपर वायर होती है और उसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ सराउंड करते हैं। फिर जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है उसको हम फर्दर कॉपर मेश के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने का जो मेन मकसद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही है उसको मिनिमाइज करना। ये ट्विस्टेड पेयर केबल की नस्बत 80 टाइम्स फास्टर है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल की नस्बत 325 टाइम्स स्लोअर है। ये एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ये हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो प्रोवाइड करती है और ये इजियर टू इंस्टॉल है।
उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर आपका जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स जो है वो ट्रैवल करता है। इसके अंदर डजन और हंड्रेड ऑफ थिन ग्लास स्टैंड होते हैं और उन थिन ग्लास स्टैंड को हम कोर कहते हैं। कोर जो है, कोर एक्चुअली आपका ऑप्टिकल फाइबर का सेंटर होता है जहाँ पे आपका जो डाटा है वो ट्रैवल करता है। उसके बाद इस कोर को हमने एक ग्लास लेयर के अंदर इनक्लोज किया होता है और उस ग्लास लेयर को हम क्लैडिंग बोलते हैं। फिर फर्दर क्लैडिंग जो है, क्लैडिंग एक प्लास्टिक कोटिंग के अंदर प्रोटेक्टेड होती है जिसको हम जैकेट बोलते हैं। आपके पास जो कोर है, कोर का डायामीटर जो है वो 62.5 माइक्रोन होता है, जबकि क्लैडिंग जो है, क्लैडिंग का डायामीटर 125 माइक्रोन होता है। और इसमें जो एक माइक्रोन है वो आपका 10⁻⁶ मीटर्स के इक्विवेलेंट होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल की एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और रिफ्रैक्शन की वजह से ही आपकी जो लाइट है या तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए पास हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये कोएक्सियल केबल से 325 टाइम्स फास्टर है, जबकि ट्विस्टेड पेयर केबल से ये 26,000 टाइम्स फास्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है। द टिपिकल फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड, ऑप्शन अल्फा में है हमारे पास कोर, ऑप्शन बीटा में है क्लैडिंग, ऑप्शन चार्ली में है जैकेट, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कंसिस्ट करती है नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास के ऊपर, और इस नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास को हम क्या बोलते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कोर है, दैट इज अल्फा। कोर ही एक्चुअली आपका वो पार्ट होता है जिसके अंदर आपका डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करता है। अब कोर को हम क्या करते हैं, कोर को हम एक ग्लास लेयर के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और वो ग्लास लेयर जो है वो आपकी क्लैडिंग कहलाती है। फिर इस क्लैडिंग को हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं और वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो आपका जैकेट कहलाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कोर है, दैट इज अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्विस्टेड पेयर केबल इज डैश टाइम स्लोअर देन कोएक्सियल केबल। ऑप्शन अल्फा में है 80, ऑप्शन बीटा के अंदर है 325, ऑप्शन चार्ली के अंदर है 26,000, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो डैश टाइम स्लोअर है कोएक्सियल केबल से। तो इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल से 80 टाइम्स फास्टर है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास अल्फा बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनगार्डेड मीडिया में सबसे पहले हमारे पास माइक्रोवेव आती हैं। माइक्रोवेव एक्चुअली हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं जिनके अंदर जो डाटा है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है। इसी वजह से हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर डिफरेंट माइक्रोवेव स्टेशन या एंटीनाज को लगाना पड़ता है और उसके लिए हमारे पास हाई टावर्स या हाई बिल्डिंग्स का इंतखाब किया जाता है। आपके जो माइक्रोवेव स्टेशन हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 20-30 माइल तक हो सकता है। आपका ई स्टेशन जो है वो एक डाटा को रिसीव करता है और आगे उसको ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद है हमारे पास सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स हैं डाटा को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर हम एयर को यूज करते हैं। आपके जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके अंदर सेवरल अर्थ स्टेशन यूज होते हैं और सेवरल सैटेलाइट्स यूज होती हैं। सैटेलाइट्स जो हैं ये आपकी अर्थ के अबव 23,300 माइल्स जो है वो रोटेट करती हैं और इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। आपका अर्थ स्टेशन जो है, अर्थ स्टेशन लार्ज डिश एंटीना के ऊपर कंटेन करता है जो कि डाटा को सेंड भी कर सकता है और डाटा को रिसीव भी कर सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये आपकी बैड वेदर की वजह से इफेक्ट होती है। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमारे पास दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एक अपलिंक होती है और एक डाउनलिंक होती है। अपलिंक ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ ट्रांसमिट होता है, जबकि डाउनलिंक के अंदर आपका जो डाटा है वो सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन एक्चुअली रेडियो बेस्ड नेटवर्क है और इसमें जो डाटा है वो मोबाइल कंप्यूटर से ही सेंड किया जाता है और मोबाइल कंप्यूटर से ही रिसीव किया जाता है। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क के साथ या तो वायर्ड पोर्ट्स की मदद से कनेक्ट होते हैं या फिर वायरलेस कनेक्शन की मदद से वो कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स वॉइस एंड डाटा थ्रू एयर एज हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। ऑप्शन अल्फा में है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बीटा के अंदर है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन चार्ली के अंदर है फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है माइक्रोवेव। क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि अगर आपने वॉइस और डाटा को एज ए हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स एयर के थ्रू ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया जो वो इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास माइक्रोवेव बनता है, क्योंकि माइक्रोवेव जो हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स भी हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एयर का वर्ड है तो एयर जो है अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया की एक एग्जाम्पल है।
बाकी अल्फा बीटा और सारी ऑप्शन के अंदर वर्ड केबल का आ रहा है, जो कि हमारे पास वायर्स होती हैं और वायर्स जितनी भी हैं वो आपकी गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया की एग्जांपल्स हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डाटा है, दैट इज माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। ऑप्शन अल्फा के अंदर है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बीटा के अंदर है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन चार्ली के अंदर है फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है माइक्रोवेव। क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा है जो कि अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया है। अगर ऑप्शन अल्फा बीटा और चार्ली को देखें तो उनके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है केबल का। केबल जो हैं, केबल्स आपकी गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया की एग्जांपल्स हैं। जो डेल्टा ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन माइक्रोवेव, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसका रीज़न ये है कि माइक्रोवेव्स आपकी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं और इनके अंदर जो डाटा है वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के अंदर ट्रैवल होता है। उसके बाद है हमारे पास मॉडम। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम सिग्नल्स की मॉड्यूलेशन भी परफॉर्म करता है और डीमॉड्यूलेशन भी परफॉर्म करता है। मॉड्यूलेशन आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हो एनालॉग सिग्नल के अंदर। डीमॉड्यूलेशन आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर। इसके स्पीड को बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। इसके तीन टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इंटरनल मॉडम आता है। इंटरनल मॉडम जो है ये एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से कंप्यूटर के अंदर फिट होता है और इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर के इनसाइड ही फिट हुआ होता है। इस वजह से इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटर्नल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम जो है एज एन एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पर आपके सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होता है, और क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ एज एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट हुआ हुआ है तो एक्सटर्नल डिवाइसेस जितने भी हैं उनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास वायरलेस मॉडम की। वायरलेस मॉडम जो है वो आपका डाटा को सेंड भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो एयर का इंतखाब करता है। आपके वायरलेस मॉडम को मोबाइल फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अब वायरलेस मॉडम जो है एज ए यूएसबी के तौर पर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, इस वजह से इनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एमसीक्यू है हमारे पास, बीपीएस स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन अल्फा है बॉड पर सेकेंड, ऑप्शन बीटा है बीट पर सेकंड, ऑप्शन चार्ली है बिट्स पर सेकंड, ऑप्शन डेल्टा है बाइनरी पैकेट पर सेकंड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे बीपीएस के बारे में पूछा गया है। बीपीएस एक्चुअली आपका वो यूनिट है जिसके अंदर हम मॉडम की स्पीड को मेजर करते हैं, और मॉडम की स्पीड जो है वो बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मॉडम। ऑप्शन अल्फा में है स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बीटा के अंदर है कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन चार्ली में है कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो मॉडम के बारे में ट्रू है। ऑप्शन अल्फा में देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो कि एक सच है, मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है। उसके अलावा बीटा ऑप्शन के अंदर है इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, तो मॉडम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट भी करता है, जिसे हम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ऑप्शन चार्ली के अंदर है इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, ये भी सच है, इस चीज़ को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं और आपका जो मॉडम है वो डीमॉड्यूलेशन भी परफॉर्म करता है। ऑप्शन डेल्टा के अंदर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले तीनों आंसर जो हैं वो मॉडर्न के हवाले से करेक्ट हैं, तो इट मीन्स हमारा जो डेल्टा है वो करेक्ट आंसर बनता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।